Hi guys, today we are going to decorate this gullak. ये मिट्टी की है, ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है, जहाँ पर ज़्यादातर कुम्हार जो होते हैं उन पर मिल जाती है, जहाँ मिट्टी का ज़्यादा सामान, वास और पॉट, कई तरह का सामान होता है. तो मैंने ये स्पेशली ख़रीदा है एंड आई एम गोइंग टू डेकोरेट इट. बट आप देख सकते हैं काफ़ी रफ़ है, राइट? ये देखिए, ये कहीं से भी प्लेन नहीं है. तो अगर आप इसको पहले प्लेन करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप इसे ऐसे ही पेंट कर देंगे तो जो स्मूथनेस, जो फिनिशिंग होती है वो नहीं आती है. तो इसलिए हमें पहले इसे फिनिशिंग देना होगा. तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इसमें सैंड पेपर. सैंड पेपर ईजिली अवेलेबल है, आपको स्टेशनरी की शॉप में मिल जाएगा. बहुत सस्ता आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है और वो बहुत यूज़फुल है. मतलब आप एक शीट खरीदते हैं तो उसे कई जगह यूज़ कर सकते हैं. वंस, दिस इज सैंड पेपर शीट. आई परचेज्ड इट फ्रॉम स्टेशनरी शॉप. अराउंड 10 रुपीज़ की एक शीट पड़ती है, बहुत ईजिली अवेलेबल है. मैंने सीज़र इसलिए लिया है क्योंकि इतनी बड़ी शीट को उठा के इसे रब करना इज इम्पॉसिबल. तो आई एम गोइंग टू टेक अ पीस ऑफ दिस सैंड पेपर शीट एंड देन आई विल स्क्रब इट्स सरफेस. मैं इसे तब तक स्मूथ करने की कोशिश करूँगी जब तक ये बिल्कुल बिल्कुल एक प्यारा स्मूदी टेक्सचर ना दे दिए सरफेस पे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कट करने जा रही हूँ एक पीस ऑफ सैंड शीट. वंस, शुरू में आप छोटे ही पीस लीजिए क्योंकि छोटे पीस को हैंडल करना बहुत ही इजी हो जाता है, प्लस इसे ड्रॉप करना बहुत आसान हो जाता है. तो पहले मैं इसे स्मूथ करेंगे. हम देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा सा यहाँ से एक साइड से इसको मैंने इसे रब किया है. आप देख सकते हैं इसका सरफेस कितना स्मूथ हो गया. मैं आपको डिफरेंस दिखा देती हूँ. ये वाला जो है वो हमारा स्क्रब है और ये बिना स्क्रब का. आप डिफरेंस बहुत आसानी से देख सकते हैं. देखिए इस पे उभरे हुए पैटर्न हैं जो कि अगर आप पेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लुक नहीं होता. बट जब हम इसे स्मूथ कर देते हैं, सी बिल्कुल स्मूथनेस के बाद ये है कि जब हम जो भी इस पे क्रिएट करना चाहेंगे डिज़ाइन, तो उसका जो लुक है वो बहुत बहुत अच्छा आएगा. इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा. प्लस ये एक जैसे मार्केट में पीसेस मिलते हैं डेकोरेटिव पीस, वैसा लुक इस पे क्रिएट होगा. तो हम इसे अब पूरा स्क्रब कर लेते हैं ताकि हम इसे पेंट कर सकें. मैंने इसे पूरा स्क्रब कर लिया है और ये अब रेडी टू पेंट. बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, पेंट करने से पहले हमेशा मिट्टी के जो पॉट होते हैं स्क्रब करने पर एक्चुअली उन पर डस्ट बहुत आ जाती है. तो हमें इन्हें पहले कम्प्लीटली पानी से अच्छे से धो लेना चाहिए ताकि वो डस्ट पार्टिकल्स निकल जाएं. और इसको अच्छे से बिल्कुल ड्राई होने देना चाहिए. ड्राई होने का मेन रीज़न क्या है कि जब हम पेंट करते हैं या मिट्टी पे पानी डालते हैं, इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये पानी को एब्जॉर्ब करती है, कलर को एब्जॉर्ब करेगी अपने अंदर. सो फर्स्टली इसको पूरा ड्राई होने देंगे, देन हम इस पर पेंटिंग स्टार्ट करेंगे. अब हम इस पॉट पे वाइट पेंट करने वाले हैं. वाइट पेंट क्यों? क्योंकि जब हम वाइट पेंट करते हैं उस पर उसके ऊपर जो भी कलरिंग हम देते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा खिलकर आती है कह सकते हैं. तो पेंटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक पेंट. इट्स वाइट एंड क्योंकि एक्रेलिक पेंट थोड़ा ब्रश करने में थोड़ा टाइट फील होता है, थिक जल्दी हो जाता है, ड्राई जल्दी हो जाता है. तो इसकी जो थिकनेस है उसको थिन करने के लिए मैं इसमें मीडियम यूज़ कर रही हूँ. मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने ये यूज़ किया था. इट्स अ कैमल मीडियम 2. ये ज़्यादातर यूज़ होता है मिक्स विद दी फैब्रिक मेटालिक पाउडर्स टू अ लिक्विड फॉर्म. क्योंकि एक्रेलिक की जो
ये पेंट है, इसमें एक्रेलिक पाउडर भी आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उन पाउडर्स को भी हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं टू यूज दिस मीडियम। तो मैं इस मीडियम को इसमें मिलाने वाली हूँ। आप सेपरेट कोई भी कंटेनर ले सकते हैं जिसमें आप इन दोनों को मिक्स कर लें एज पर क्वांटिटी की कितना क्वांटिटी इस पे लगेगा। और पहले हम इसे एक कोट देंगे, उस कोट को ड्राई होने के बाद हम इसे सेकंड कोट भी करेंगे। सेकंड कोट होने से ये बहुत ही कि फर्स्ट कोटिंग में क्या होता है कि इसकी लेयर्स जो इसके ऊपर जो डिजाइनिंग है हल्का सा, जो मिट्टी के पैचेस हैं जो दिख रहे हैं कि रेड ऑरेंज ग्रीन मतलब येलो, तो वो सारा हट जाएगा। और सेकेंड लेयर में ये बिल्कुल कम्प्लीटली वाइट कलर का एकदम वाइट होगा, जिससे कि इसे यूज कर पाना मतलब से कलरिंग कर पाना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। वो कलरिंग इसके ऊपर बहुत खिल के आने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। लिया है जिसमें मैंने वाइट एक्रेलिक और मीडियम को मिक्स कर लिया है। मैं पहले स्मॉल क्वांटिटी लेती हूँ ताकि अगर वेस्ट ना हो, क्योंकि प्रोडक्ट वेस्ट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। स्मॉल क्वांटिटी से बेनिफिट है कि आपको पता रहता है कि कितना प्रोडक्ट यूज होगा और वो वेस्ट नहीं जाने वाला है। सो मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देख सकते हैं कि एक्रेलिक कभी भी इतना स्मूथ नहीं होता, सी। तो ये मीडियम की वजह से है और प्लस ये ड्राई जल्दी से नहीं होगा, तो आप जब इसे पेंट करेंगे तो आपका ब्रश जो हम इस पे यूज करेंगे तो वो ब्रश चलाना बहुत ही आसान हो जाता है। सी कितनी स्मूथली मैंने ब्रश चलाया, ये बहुत स्मूथ लगेगा। पर आप देखना मैंने क्यों सेकंड कोट के लिए बोला। सी जब हम फर्स्ट कोट करते हैं तो उसकी जो अंदर की अभी भी आप लेयर देख सकते हैं कि रेडिश सा आ रहा है, थोड़ा कंप्लीट वाइट नहीं है। तो इसलिए पहले हम फर्स्ट कोट करेंगे देन सेकंड कोट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स मैंने इस पे फर्स्ट कोट कर दिया, बट आप देख सकते हैं कि ये उतना वाइट नहीं है जितना के होना चाहिए, राइट? क्योंकि मैंने जैसा कि बताया था ये हल्का सा रेडिश दिख रहा है, इसका जो सैंड कलर है वो अभी भी नजर आ रहा है। तो हम इसको पहले ड्राई होने देंगे, क्योंकि सेकंड कोटिंग हमेशा ड्राई होने के बाद की जाती है, जिससे कि पता रहता है कि हमें किस कितना थिक पेंट लेना, उसी से पता चलेगा सेकंड कंसिस्टेंसी कलर की क्या होनी चाहिए। फर्स्ट कंसिस्टेंसी आप ज्यादा थिक भी ना रखें ज्यादा थिन भी ना रखें, क्योंकि वो फर्स्ट लेयर है। सेकंड लेयर आपको बहुत ही वाइटिश चाहिए, बिल्कुल जिसमें प्योर वाइट कलर का ये पॉट बन जाए, तो वो हम थिक पेंट यूज करेंगे। जैसे कि इसमें मैंने थोड़ा ज्यादा मीडियम मिलाया था टू मेक इट वेरी थिन स्मूद, ताकि इसका फर्स्ट लेयर बन जाए। सेकंड लेयर में हम थोड़ा थिक पेंट लेंगे, तो पहले से कंप्लीटली ड्राई होने देते हैं। एक्रेलिक पेंट है तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, एक्रेलिक पेंट बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है, बट मैंने इसमें मीडियम मिलाया है तो इट विल टेक टाइम अराउंड 15 to 20 minutes, सो जस्ट वेट फॉर ड्राई। मेरा पॉट की जो फर्स्ट लेयर है ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है और अब मैं इस पे सेकेंड लेयर करने वाली। देखो अब दूर से देखो क्यों हमें सेकेंड लेयर की नीड है, ये कंप्लीट वाइट नहीं लग रहा है, राइट? अगर इसमें कोई भी कलरिंग दूंगी तो वो जो सैंड का कलर है उसको खिलने नहीं देगा, तो इसको हम सेकेंड लेयर स्टार्ट करते हैं। अब हमारा पॉट बिल्कुल सूख चुका है डबल कोटिंग के बाद। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर की जो रेड कलर की लेयर है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। नाउ वी आर गोइंग टू पेंट दिस पॉट। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक सीधी मार्कर पेन ले लिया है, जैसे कि आप अपना मन चाहे डिज़ाइन पहले क्रिएट कर लीजिए इस पर, देन आप उसे पेंट कर दीजिए। तो पहले मैं इसे डिज़ाइन क्रिएट करने वाली हूँ और देन पेंट करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा ये पॉट अब रेडी हो गया है, मैंने इसे पेंट किया है। मैंने इसे जो डिज़ाइन दिया है ये वर्ली आर्ट है। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है।
कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए ताकि वो वाइब्रेंट हो। ये बहुत बहुत प्यारा लुक दे रहा है। ये आप किसी भी टेबल पे, शोकेस पे आप इसे लगा सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं बच्चों, और प्लस ये बच्चों को दे सकते हैं उनके रूम में ताकि वो खुद से कॉइन और पॉकेट मनी अपने इसमें स्टोर कर सकें। प्लस ये लगेगा भी नहीं कहीं से कि ये गुल्लक है, और ये आपको एक एंटिक पीस जैसा रूम में आप इसे डेकोर कर सकते हैं। लुक हाउ इट्स ब्यूटीफुल। मैं आपको इसको अपनी रैक पे शो करती हूँ कि मेरे वार्डरोब पे कैसा, सॉरी मेरे डेकोरेशन टेबल पे कैसा लग रहा है। प्लस मैंने इसको और भी ज्यादा एंटीक बनाने के लिए एक जूट मैट बनाया है। ये सिंपल जूट मैट है, मैंने फेविकॉल से सिर्फ सर्कुलर रोल किया है और आफ्टर ड्राई मैंने इस पे एक्रेलिक ब्राउन पेंट किया है। आप चाहे तो अपनी पसंद के अनुसार कोई सा भी कलर कर सकते हैं ताकि ये इस पर एक बहुत प्यारा लुक क्रिएट हो। यू कैन सी कि कितना ब्यूटीफुल लुक ये दे रहा है। आई शो यू वन सेकेंड। आप इसको पास से कर लो। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।